सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनी को 10 साल की मोहलत दी है, लेकिन इससे टेलीकॉम कंपनी को बहुत राहत नहीं है और अगर वो टैरिफ प्लान बढ़ाने को मजबूर हो सकती है। बहुत सारे शेयर होल्डर ये सोच रहे होंगे कि 10 साल की मोहलत मिलने के बाद उनका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खासकर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के लिए संकट दूर नहीं हुआ है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी को मार्च 2021 तक बकाया का 10% और फरवरी 2022 के बाद आगे बाकी 90% रकम चुकानी है। वोडाफोन आइडिया ने अभी दूरसंचार विभाग के पास 7,850 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जबकि उनका एजीआर का कुल बकाया 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसी तरह एयरटेल ने 18,000 करोड़ रुपए चुका दिए हैं और अभी उसके करीबन 26,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। फाइनेंशियल सर्विस फर्म जेफरिंग के अनुमान के मुताबिक इस वित्त वर्ष के अंत यानी मार्च तक वोडाफोन आइडिया को 5,000 करोड़ रुपए और इसके बाद हर साल 6,800 करोड़ रुपए देने हैं। इसी तरह एयरटेल को मार्च तक 2,600 करोड़ रुपए और उसके बाद हर साल 3,500 करोड़ रुपए देने होंगे। दोस्तों, यहां देखा जाए तो वोडाफोन को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी ज्यादा पैसे हर साल देने पड़ सकते हैं। इसी तरह एयरटेल के लिए यह रकम उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का करीबन 22% हो सकता है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि इन किस्तों के भुगतान के लिए वोडाफोन आइडिया को अपना टैरिफ बढ़ाना होगा। अब प्रमोटर द्वारा और पूंजी डालने की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, प्रमोटर का इंटरेस्ट देखा जाए तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए। इसलिए अब कंपनी के पास दो ही रास्ते बचे हैं, टैरिफ बढ़ाना या फिर कहीं से कैश लाना। दोस्तों, खतरा ये भी है कि अगर वो टैरिफ बढ़ाते हैं तो उनके कस्टमर शिफ्ट ना हो जाए जियो और एयरटेल की तरफ। जानकारों का कहना है कि एयरटेल को एआरपी में 10% और वोडाफोन आइडिया को 25% की बढ़त करनी होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए एयरटेल और वोडाफोन दोनों अपना टैरिफ बढ़ा देते हैं और जियो अपना टैरिफ नहीं बढ़ाती है, तो बहुत सारे कस्टमर जियो की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ये एक खतरा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे कि 10 साल की मोहलत मिलने के बाद भी इन कंपनियों की परेशानी दूर नहीं हुई है।